लिखूं, मैं अपनी कहानी लिखूं। कोई पढ़ेगा ही नहीं, मैं अपना नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप ऐसा मत सोचो कि नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ेंगे, मेरी तो आप लिखो। अच्छा लिखो आप? हाँ आप लिखो, ऐसा मत सोचो कि लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में, ऐसा नहीं है। आप लिखो, जरूर लिखो। वही मैंने कहा, बचपन तो चलो भाई इतना मतलब हमें तो पता है कि जवानी कैसे बीती, बुढ़ापा आपका, शादी के बाद कैसी लाइफ हुई, शादी के बाद की लाइफ कैसी हुई। हाँ। तो दिन ब दिन तो जमाना बदलता जा रहा है बेटा। हाँ, जो पहले जमाना था और अब जो जमाना, दिन रात का फर्क है। हाँ, तो मेरी ऊपर वाले की दया से शादी से पहले की तो बहुत जिंदगी अच्छी थी। हाँ, और जिंदगी शादी के बाद की भी ऊपर वाले की दया अपने ऊपर, अच्छे ससुराल वाले में तो अलग ही रही। कोई वही नहीं था, मतलब पैसे का बराबर था उन दिनों, पैसे भी गवर्नमेंट नौकरी की, मकान था रेलवे की थी, तो अच्छा चलता रहा, मतलब भगवान की ऊपर वाले। पहले जब आप लोग यहाँ से आ गए यहाँ पर, तो मैं बता रही हूँ नाना की नौकरी कब लगी थी, नाना की नौकरी कितने? मैं बता रही हूँ ना, हम जब आए, पार्टीशन हुआ, उन्नीस पार्टी एक में आए, जो मुरली मामा का मतलब होने वाला था, तो इसलिए हमारे ननिया नाना नानी मामा ये सब अजमेर आए। और हमारे डैडी तो नौकरी छोड़ के आ गए थे उधर, उन्होंने अपना सबका पढ़ाई लिखा, सब बहनों की शादी वादी सब करी थी, भाई भी सचे लोग, तो ये इधर हम बच्चे थे छोटे, तो हमारी मम्मी नंद मामा और मैं और मुरली मामा होने वाला था, 2 फरवरी को हुआ है ना, 48 में। हाँ, तो हमारे मतलब ननी आलवार मामा, वो बहुत रिच फैमिली थे, वो बहुत रिच थे मतलब। हाँ, तो हमारे मामा मम्मी हमारी इकलौती थी ना, साथ कहते थे, 7 भाइयों में एक बहन। हाँ, हाँ, फिर वो तो बाद में चलते गए वो भाई, तो मतलब अच्छी पोस्ट पे थे। तो फिर हमारे नाना जी मतलब वो थे गवर्नमेंट में कुछ, तो उनको ले आए, हमारे डैडी ने नौकरी छोड़ दी, छोड़ के ही आए थे। हाँ, फिर हम अजमेर में आए, वहाँ बहुत बैरिक बनी थी। हाँ, फिर हमारे पापा मतलब डैडी की नौकरी की तलाश में निकले। हाँ, जाते थे इंटरव्यू वगैरह जो भी देना, तो पहली नौकरी उनकी अहमदाबाद में ली। अहमदाबाद में? अच्छा, अहमदाबाद। अच्छा, ओके। हाँ, वहाँ मतलब में था एक छोटा सा कमरा लिया, मतलब था हम बच्चे तो छोटे छोटे ही थे, तो मम्मी और मामा थोड़े समझदार थे, मैं तो छोटी थी, मुरली तो 6 साल मेरे से छोटा था, तभी मुश्किल से 3-4 महीने का था जो ले आए थे, और ऋषि वगैरह तो हुए नहीं थे। तो मेरे को याद है कि अहमदाबाद में हम एक कमरे में रहते थे, डैडी को नौकरी मिल गई थी मतलब बैंक में, तब इम्पीरियल बैंक था, स्टेट बैंक का नाम। अच्छा, इम्पीरियल बैंक। हाँ, तब इम्पीरियल बैंक था, फिर बाद में स्टेट बैंक तो बाद में हुई है जयपुर में आने। तो हमको पता है भाई, हम एक कमरे में रहते थे, तो वहाँ क्या बगीचे खजूर के बहुत होते थे, खजूर वहाँ की मशहूर है, खजूर 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 के, हाँ खजूर के पेड़ होते थे बेटा। हाँ, तो हम तो तेरी मम्मी और मामा मैं तो थोड़े छोटे ही थे, आ जाते थे फिर चले जाते थे बगीचे में। हाँ, बगीचे थे अपना, खजूर खजूर नहीं, बहुत पेड़ रहते थे खजूर के, कोई इतना माल देखने वाले नहीं थे, खजूर लेते वो जो उसकी डंडियां होती थी तोड़ के आते थे, उसके पंखे बैठ के बनाते थे। बिना लाइट भी नहीं थी बेटा, लाइट भी नहीं थी इतना, मतलब लाइट तो थी नहीं, तो वो पंखे हाथ के। हाँ, तो बैठे बैठे मतलब, एक तो हम लोगों की जो होशियार बहुत होती है, हमारी मम्मी बहुत होशियार थी बेटा, कढ़ाई और इसमें अगर, तो उन्होंने सिखाया होगा कि ऐसे 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 बसे बनाओ। हाँ, तो बैठे पंखे बनाते रहते थे, मतलब वहाँ थोड़े बहुत कम रहे हम, 5-6 महीने मुश्किल से रहे। ओके।
फिर हम आ गए जयपुर, हमारे डैडी का ट्रांसफर हुआ जयपुर में। तो चौड़ा रास्ता है, ये क्या बनवास पार्क है, बनवास पार्क मतलब कुछ बहुत अच्छा है चौड़ा रास्ते पे। वहीं पे एक बैंक हो गई, स्टेट बैंक हो गया, फिर नाम पड़ गया उसका। हाँ मतलब जैसे मेरे से तो मैम, और मकान हमको मिला संता के पास, मतलब पता नहीं किसके जरिए मिला, हमारे मामा लोग जो थे ना, एक वो कांग्रेसी था, हाँ बड़ा वाला मामा, तो पता नहीं उनके थ्रू मिला या क्या मिला, वो मकान बहुत अच्छा मिला बेटा। ओके बहुत अच्छा था। तो मतलब उसमें मैं आपको बताऊं, तुमने इंदौर का तो मकान देखा था ना, पूरा बंगला, जो हमारे डैडी का मकान था, विष्णु उतना ही मकान था, आगे कोर्ट यार्ड, पीछे आगे आंगन, बहुत बड़ा आंगन, पीछे कोर्ट यार्ड, तीन चार कमरे, मतलब ड्राइंग रूम को तब ऐसे मूढ़ी वगैरह गए, मतलब जो सामान आया था चारपाइयां तब ज्यादा होती थी, रवान की जानवर की, मतलब सामान हमारा शिप के द्वारा पहुंच गया, मतलब कैसे मिला पहुंचा हमें नहीं, पर सामान था हमारे पास। तो वो क्या थे वहाँ बेटा, बहुत किला था ना ये जैसे वहाँ का, तो उसके अंदर ये घर बने हुए थे कुल, मतलब एक घर में दो, मतलब दो दो घर और दो दो घर ऐसे करके मुश्किल से 20 घर, 10 5 दो लाइनें थी और 20 घर थे। अच्छा ओके। हाँ और तेरी मम्मी तो तब 6 में थी, 6 पढ़ती थी, तब महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल था आपका सांगानेर गेट के पास, बहुत अभी भी मशहूर, बहुत वो कॉलेज बहुत मशहूर है, महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल है अभी तो ऐसे। हाँ तो मम्मी तो बस में जाती थी, मतलब 6 बजे में, तब देखा क्या होता था, लाइटें तो सोती नहीं थी ना, तो जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे। ओके। और फिर वहाँ जो मीठा पानी होता था, काफी दूर एक नलका होता था, तब मीठा पानी भरने हमारे पापा और नंद मामा भरने जाते थे, भर के आते थे मीठा पीने का पानी। अच्छा। और दूसरा था हैंड पंप। अच्छा वो तो आप जब भी जाके लो, तो काफी दूर था, काफी दूर ज्यादातर हैंड पंप भी पास। हाँ मतलब काफी, मतलब कम से कम मतलब 5 मिनट का ऐसे रास्ता था, मतलब बीच में था, 5 घर इधर 5 घर बीच में नलके लगे हुए थे। ओके। तो हमारे डैडी और नंद मामा जल्दी उठते थे, क्योंकि 4-5 बजे पानी आता था मीठा। ओके। ना वो मीठा पानी भरते थे, फिर हम तो मैं तो छोटी थी ऐसे ही बैठ भर के जो भी, और वो भी हैंड पंप से ड्रम भर के रखते थे पानी। टॉयलेट कैसे थे वहाँ, टॉयलेट टॉयलेट बने थे जैसे आप बता रहे हो? हाँ 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 बेटा, टॉयलेट मतलब ये था कि ऐसे कच्चा था, जमा डालनी आती थी, मतलब बाहर से साफ करके चली जाती थी वो, मतलब बाहर निकल जाता था सब। अच्छा। और जमा डालनी, और आसपास हमारे खेत थे बेटा। अच्छा। तो खेतों में तो जाते थे ये जमा, ये कूड़ा कर कर कहाँ जाता था, खेतों में ही जाता है, या तो जमा डालनी आती थी, अपना पानी हमारे खूब वो भर के रख देते थे। हाँ। अपना हम बच्चे थे तो क्या, मैं तो थी ना समझदार, ले आती थी वैसे मेरे को मम्मी तो थी। एक बात बताओ, जो टॉयलेट थे आपके वो कौन से, जैसे इंडियन स्टाइल में उकड़ू बैठते हैं? नहीं नहीं वो मतलब ऐसे ही थे, इंजन ही थे, इंजन मतलब ऐसे क्या था, ईटे होती है ना उस पे मतलब ऐसे बनाए हुए थे बैठने के लिए। ओके। के दो दो चार चार इधर की चार छे और उधर ही हो गए, पर्दा लगा देते थे दरवाजे, मतलब उसमें तो नहीं था, मतलब घरों में थे दरवाजे, अंदर कमरों में, मतलब बाहर एकदम और आगे मतलब आंगन में, बाकी तो खुला, इतना बड़ा आंगन था, टॉयलेट में दरवाजा नहीं होता था। नहीं देखा सब पर्दा लगे हुए थे, पर्दे लगाए हुए थे, चप्पल उतार के रख देते थे, पता लग जाता था, तो सब तो निकल चले जाते थे ना अपने अपने हिसाब से। हाँ हाँ। अपना लिया फिर नहाया, बाहर बाथरूम भी ऐसे बने हुए थे। पर एक बार बताओ, जैसे टॉयलेट जो था आपके घर के लिए अलग था
या सबके लिए कॉमन था दूसरे घरों नहीं, नहीं 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 हमारे घर का हर घर का अलग अलग था, मतलब क्योंकि गहरी में मकान जैसे इंदौर का था ना उतना बड़ा मकान था। ओके ओके। हाँ ओके। और आंगन इतना बड़ा था मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे उसके घर का भी कम था, इंदौर वाले घर का भी आंगन बहुत बड़ा था। पीछे मतलब पहले आंगन पीछे वो कोट या वो बना हुआ था लॉन टाइप में, मैडम बगीचा बनाया हुआ था। हाँ। ऐसे दो दरवाजे उधर से, एक दरवाजा इधर से, एक दरवाजा इधर से। अच्छा। और सीढ़ियाँ क्या थी, लकड़ी की बनी हुई थी। अच्छा। बनाई तो फिर छत पे, ज्यादातर हम लोग क्या गर्मियाँ होती थी तो क्या छत पे सर जाते थे। वो साथ वाला है, दूसरा और एक घर था जो बीच में तो काफी लंबी लंबी दीवारें थी, पर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाके रात को मस्ती से बांधा के सो जाते थे। 7-8 बजे जैसे ही खाना वाना खाया फिर ही जाके वहाँ सो जाते थे। लालटेन जलाते होगे ना? हाँ, लालटेन में पढ़ाई होती थी बेटा। हमारे जो तुम्हारे नाना थे, हमारे तुम्हारे नाना ने BA यहाँ आके जयपुर में की है, ग्रेजुएशन और बैंक के एग्जाम दिए हैं। अच्छा। बैंक के एग्जाम देते जाते थे गलता में, सवेरे उठते थे जल्दी है। अच्छा। अपना नहा धो के गलता में चले जाए, गलता पे बैठ के अपना पढ़ाई वढ़ाई करते थे। जो भी हो, गुरुद्वारा होता था, गुरुद्वारे में वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के उधर जाते थे, फिर अपना आते थे, अपना फिर ऑफिस चले जाते थे। पैदल ही पैदल, पैदल ही पैदल जाते थे। बेटा घोड़ा गाड़ी तो थी वो, तो जब फैमिली जाती थी बाकी तो सब पैदल ही पैदल, इतनी ट्रैफिक तो होती नहीं थी। हाँ, ट्रैफिक तो वहाँ होती नहीं थी ना। हमारे जयपुर में तो नहीं था कुछ भी बेटा। बस जब मामा लोग खाना कैसे बनता था, गैस तो होती नहीं होगी उस जमाने में। नहीं नहीं तो बेटा वो अंगीठी जलाते थे ना पत्थर के कोयले। अच्छा, पत्थर के कोयले, कोयले नीचे वो, नीचे वो क्या कहते थे वो गोबर के वो जो बने होते थे ना उपले, हाँ उपले वो डालते थे। अच्छा। और फिर ऊपर से ये पके और नीचे पखा अखबार डाल के या पता नहीं कैसे डाल के पंखा जलते रहते थे। अच्छा। देखिए और तो मम्मी, तो मम्मी थे और तेरी मम्मी थी और मेरी नानी तेरी, वही भाई खाने के माता वही साफ करती थी अपना जितना जो जरूरी जरूरी था। घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब आप लोग? वो हमारी तो माई थी। नहीं नहीं, भगवान की दया से हमारे घर काम वाली थी। अच्छा, काम वाली थी। हाँ, पापा के मतलब एक बुढ़िया बिचारी आती थी, 4 रुपए लेती थी, मेरे को इतना याद है, 4 रुपए लेती थी, अपना वो सब काम करती थी। बर्तन तो बेटा पानी की कमी होती थी ना, तो सूख के राख से मांझ के पोंछ के अच्छी तरह धो के उसमें टोकरी में डाल के चले जाते थे, और झाड़ू पोछा सब करती थी हमारी वो, बहुत बुरी अच्छी थी। मगर हमारे घर की तो थी नौकरान, लोगों के यहाँ तो नहीं थी बेटा इतना, तो हमारे घर की नौकरी, क्योंकि हमारे डैडी बढ़ते गए ना, तनख्वाही बढ़ती गई, पढ़ाई करते गए तनख्वाही बढ़ती गई। तेरी मम्मी तो जाती थी स्कूल, नंद मामा भी मतलब अभी छोटी क्लासों में ही था, तीसरी चौथी में आती थी, दूसरी तीसरी में, मैंने तो अभी शुरुआत ही की थी। तो मतलब स्कूल कितना दूर था? स्कूल कितना दूर था? स्कूल भी बहुत दूर, हमारा तो तेरी मम्मी का तो बहुत दूर था, बस आती थी मतलब जाके वो बाहर गेट के बाहर खड़े थे, और हम तो पैदल ही पैदल जाते थे। सब बच्चे जो थे ना आप बराबर के थे, जितने भी थे पैदल पैदल चलते, तब पढ़ाई बेटा होती क्या थी। मैं तीसरी क्लास तक तो थोड़ा नजदीक था स्कूल, वो पट्टी पे पढ़ाई कर, वो पट्टियाँ होती थी लकड़ी की। अच्छा। और चाक होते थे। अच्छा। हाँ, तो पहले बेटा इंग्लिश तो थी नहीं। हाँ। इंग्लिश तो 6th क्लास, पता नहीं 6th या 6th क्लास से शुरू से होती थी, ABCD। अच्छा। बाकी जो है पहले मात्राएं होती थी, क ख ग ग होती थी, आ ई होती थी। बस देते थे वहां से पढ़ के आते थे, फिर होमवर्क मिलता था भाई ये, फिर घर से करके आना, 8-12 बजे तो घर पहुंच जाते थे। नजदीक था स्कूल में सर। उस टाइम पे ऐसे होमवर्क वगैरह जैसे अभी ऐसे लाभ देते बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, तब बेटा इतना नहीं था, वो पट्टियां होती थी वो साफ करके, इससे पता नहीं ये जो मुल्तानी मिट्टी होती थी ना उसे सर लगा देते थे,
फिर भाई होता था भाई इतना जो पढ़ाया है वो घर से कर लिख के आना उसके। अच्छा ओके। तो और तो कुछ ही नहीं, बर्डन पढ़ाई तो मस्ती मारते थे हम लोग तो। हाँ हाँ, मम्मी ने कहा तो तेरी तेरी पढ़ाई थी क्योंकि वो तो क्लास सिक्स में थी। हाँ बड़ी। हाँ हाँ, वो तो पर ये था कि हमारी मम्मी डेटा पढ़ी लिखी थी। अच्छा। उन दिनों पाकिस्तान में वो सेवेंथ में थी, तब सेवेंथ एट्थ में पढ़ाई की थी। अच्छा, तो मम्मी पढ़ाती थी, मतलब मम्मी को, तेरी मम्मी हमारी नानी, मतलब तुम्हारी, तो हमारी मम्मी को थोड़ा बहुत जो भी नंद मामा का थोड़ा बहुत पढ़ाती थी वही पढ़ाती थी, मतलब क्योंकि पापा तो डैडी तो हमारे वो जाते थे बेचारे ऑफिस में, चले जाते थे 9 बजे निकल जाते थे, 10 बजे ऑफिस होती थी, फिर अपना वहाँ से 5 बजे निकलते होंगे, आते आते अपना सब्जी वगैरह जो फल वल हुआ लेते हुए आते थे। राइट। और ये मम्मी तो अपना अंगीठियां जला के अपना, पहले तो बेटा दूध दही ये बहुत ज्यादा होता था, दूध मक्खन वक्खन निकालती थी, दही जमाती थी, सवेरे लो मक्खन रोटी खा के जाओ, और पता नहीं सब्जी रोटी जो भी बना के रखती होगी बना के रखते थे बेटा। तो होते नहीं थे तो मक्खन वगैरह तो डेली बेसिस पे निकलता होगा। डेली डेली निकालते थे, डेली खाते थे। ओ। वो एक चार पाई वो मछली होती थी, उसमें मछली डाल के घड़ा छोटा सा होता था, बैठ के मक्खन निकालती थी मम्मी। भाई उन दिन में बेटा शारीरिक काम अच्छा, हमारी मम्मी बैठी होकर सिलाई भी करती थी, जो भी इंच टेप नहीं थी तो अंगुली से ही, मतलब ये बैठने जैसे करके, मतलब मम्मी हमारी खुशहाल थी। खाना कितने बजे तक खा लेते थे आप लोग रात को? रात को 7 बजे में इसको सच्चे 7 बजे 7 बजे तक खाना हो जाता था। वाह। और अपना जिनको पढ़ना होता था, तेरी मम्मी की पढ़ाई होती थी या जल्दी हमारे पढ़ाते थे आके रात, जो डिफिकल्टी होगी या जो भी हो, तो हमारे जल्दी खुद भी पढ़ते थे, बच्चों मम्मी जिनको भी देखती थी, अपना खाना तो सब मम्मी बनाती थी ना बेटा। और कपड़े भी सूती होते थे, रेशमी तो होते नहीं थे। सही बात है। कपड़े धोना, प्रेस भी, ये जो अंगीठियां जलती थी ना, तो उसमें एक लोहे की प्रेस होती थी। अच्छा। वो अंगीठी पे रख देती थी, जो जरूरी जरूरी, मतलब स्कूल जैसे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हाँ, वो अपने बेचारी कपड़े प्रेस करके रख देती थी। ओ अच्छा। हाँ, या मम्मी तुम्हारी या जो भी मम्मी तेरी बेचारी ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। अच्छा। छोटपन से 11-12 साल की तो, क्योंकि हम तो छोटे थे, हाँ, तो वो बेचारी मम्मी को हेल्प करती थी। ओके। हेल्प करती थी बहुत ही नाइस। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने 10th पास कर ली, जो भी हो। हाँ। मैं जाती थी अपने साथ में बस में, बहुत कम लड़कियों वहाँ जाते थे बच्चे, मैं मम्मी से मैं जाती थी बस में, और तो पता नहीं कहाँ पढ़ते थे। अच्छा। मम्मी से रह जाती थी, बाकी हम तो अभी नजदीक स्कूलों में थे। अच्छा। तो अपना 3rd क्लास तक तो मैं नजदीक स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद 4th-5th में हम चौरा रास्ते पे स्कूल था। अच्छा। यहाँ हमारे को अब अच्छी तरह सेंटेंस लिखवाने शुरू किए थे, मतलब जो भाई पढ़ाई होती है। हाँ। जो छोटे छोटे वो करके सेंटेंस, मतलब किताब छोटी छोटी पतली पतली किताबें होती थी। हाँ। जो वो हम पढ़ते थे 4th-5th मैंने चौरा रास्ता में एक स्कूल था। हाँ। हिंदी मतलब था, देवनागरी वहाँ थोड़ी चलती थी फिर उसमें वहाँ पे। ओके। सिंधी बोली हमारे, हिंदी लिखना और सिंधी में मतलब लैंग्वेज। ओके। तो वो मैं 4th-5th में वहाँ थी। फिर हम जाते कैसे थे, इतने बच्चे, एक कान दो आना पता नहीं, एक पैसा खर्च मिलती थी। हाँ। तो उसमें बेल लिया, इमली ली, जो भी फल छोटे मोटे में होते थे, अमरूद लिया, खाते खाते चले जाते थे। और यहाँ जो दूसरे खेत होते थे, फिर आते थे स्कूल से। हाँ। तो खेतों में चले जाते थे। हाँ, अपना मजा था बहुत, हमारी लाइफ बेटा देखा जाए तो बहुत अच्छी बीती है। और हमारे साथ की सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, एक सामने थी, एक 7th वाली थी। ओके। एक ही एक उनका बच्चा था।
अच्छा तो मतलब उनका फिर उनका एक ही है तो हमारे में से जाते हम लोग तो चार जने हो गए ने। हाँ हरीश मामा तो बाद में फिर हुआ, फिर एक और बहन हुई बाद में। हाँ। तो मतलब हम लोग बच्चे ज्यादा थे तो हमारे पड़ोस वाले हम लोगों को बहुत चाहते थे। हाँ। मतलब अच्छा जो पड़ोस की उनकी इकलौती बेटी थी वो जाते थे अपने मायके वगैरह तो वो बोलते थे इंदिरा को लेके चलोगे तो मैं चलूंगी वरना नहीं चलूंगी। अच्छा। जो उनकी पोती है बेटी थी। अच्छा तो मैं तो पता है ये बनी पारक है ना, अभी बनी पारक है, पहले फतेह टीपा नाम था। अच्छा हाँ तो वहाँ मेरे को ले जाते थे जब छुट्टियों में जो वो जाते थे तो मेरे को ले जाते थे। अच्छा और हरीश मामा तब नंद अब मुरली मामा हुआ ही था छोटा ही था। हाँ। हरीश मामा भी 3 साल बाद वो भी हो गया तो पड़ोस में ही बच्चे वो पढ़ते थे हमारे दोनों। तो फिर बेबी एक जैसे कोई मतलब मेहमान आते थे घर में तो हाँ। क्या बड़ी बड़ी डेगचियां चढ़ती होंगी तो ऐसे अंगीठी में कैसे काम होता था फिर उस टाइम पे मतलब बेटा मेहमान कौन आते थे। हाँ या तो हमारी बुआ आती थी। हाँ। और जो हमारा चाचा फिर क्या हुआ हमारे डैडी गुरु ग्रंथ साहब का वो पढ़ते पढ़ने जाते थे ना। हाँ। तो जब पूरा पढ़ लिया तो उन्होंने अखंड पाठ साहब रखवाया। अच्छा तो वो मतलब हमारे नाना ना सबसे टच में होते थे उनके ननियाल वाले ददियाल वाले हमारे अंकल बुआ दोनों को बोला भाई चिट्ठी दस्ती होती ना तब तो बेटा डाकिया आता था। हाँ। डाकिया के चोरी होता तो बोल दिया पैसा तो आए थे मेहमान हमारे यहाँ काफी मेरे को याद है। हाँ। तो हमारे डैडी के मामा के बच्चे। हाँ। इधर चाचा के बच्चे इधर हमारे अंकल राम अंकल अभी शादी हुई थी शोभा छोटी थी हमारी बुआ थी एक तो बॉम्बे में थी एक इधर ही थी दिल्ली में वो मतलब बेटा मिलके काम करते थे ना अंगीठिया एक अंगीठी बुझती नहीं थी। अच्छा। वो उसमें कोले पे डालते रहते थे कोले डालते रहते थे मतलब वो काम चलता रहता था जो ज्यादातर अंगीठियां जलती होंगी मेरे ख्याल से। है? 3-4 अंगीठियां जलती होंगी एक अंगीठी तो नहीं। हाँ, दो अंगीठियां अच्छी तरह जल जाती थी अपना और हमारी वो तो काम वाली थी बेचारी आके लीप लाप के बना के रख के जाती थी अपना रात शाम को जब आती थी दूसरा खाना वाना हो गया। हाँ। नजदीक ही रहती थी बेचारी थी बुढ़िया थी आती थी जब वो चक्कर लगाती रहती हमारे बच्चों में मोह था उसका। हाँ। और किसी के बच्चे थे नहीं बच्चे अम्मी लोग थे सिर्फ। हाँ। तो बुढ़िया बहुत अच्छी थी बेचारी बहुत अच्छी थी। जयपुर में कितने साल रहे कितने साल रहे हम तुम्हारे बताऊं तुम्हारी मम्मी ने 10th पास करके फिर सिलाई स्कूल सीखा डिप्लोमा। हाँ। और फिर नंद मामा जैसे ही मैट्रिक पास किया पहले हमारे डैडी का प्रमोशन हो गया बॉम्बे ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर स्टाफ ऑफिसर बने। तो क्योंकि अभी नंद मामा पढ़ाई कर रहे थे 10th में नया 10th में ही थे तो वो बेचारे अकेले ही चले गए थे। मैं तो अभी 6th ही पढ़ रही थी 6th में थी मैं। ओके। तब मैं जहाँ मेरी मम्मी पढ़ती थी ना महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल में बस से फिर मैं जाने लगी 6th क्लास में। अच्छा। और नंद मामा फिर मैट्रिक में आ गए मैट्रिक पास किया तो फिर पापा तो मैं तो पहले ही चले गए थे। हाँ। तो उन्होंने जाके गोपरी कॉलोनी थाना थाना में मतलब अपना बेचारे बहुत है तो पोपरी कॉलोनी में 2 छोटे मतलब। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो अपना वहीं पे 2 मतलब मकान ले लिए थे छोटे छोटे थे उसमें किचन भी था बाथरूम सब वो कॉमन होते थे वहाँ पे पोपरी कॉलोनी में। पर हमारे डैडी को पता था कि हम यहाँ 6 महीने से ज्यादा नहीं गए। अच्छा। हाँ तो वो 2 मैं फिर हमारे को मतलब कैसे सामान आया हमारी एक बुआ मतलब बॉम्बे में ही रहती थी उसके बच्चे आए कैसे ट्रेन लोकल ट्रेन थी ना। हाँ। भैया करना वो करना आधा सामान चढ़ा आधा उतरा इशारे से किया भाई चर्च पे उतर जाना वहाँ पे हम आ रहे हैं मतलब जो भी हो हमारे डैडी 6 महीने मतलब उधर थे। अच्छा 6 महीने। हाँ तो हाँ पता था कि प्रमोशन मिला था ना स्टाफ ऑफिसर का।
और जैसे इतनी पढ़ाई की इम्तिहान दिए तो सब तेरी मम्मी ने फिर वहाँ पे ये कढ़ाई सीखी मशीन की जयपुर में, उन्होंने वहाँ डिप्लोमा किया जयपुर में। आप लोग सब बॉम्बे में, बॉम्बे में। हाँ, मैं तो फिर नजदीकी स्कूल डाल दिया क्योंकि इतनी एक्टिव तो थी नहीं, इतनी बड़ी थी नहीं कि मेरे को लोकल ट्रेन से भेजे लेके चले थे स्कूल में एक बार दिखाने भैया एडमिशन दिलवाऊ, पर उनको पता भाई उन्होंने सोचा ये लड़की जा ही नहीं पाएगी। अच्छा ओके। नंद मामा तो फिर ननियाल चले गए अजमेर। अच्छा वो नाना नानी हमारे थे ना, नाना नानी मासी मामा जो भी है मतलब रहते थे वहाँ श्रीनगर रोड पे। जो मासी एक हमारी ना टीचर थी उसने शादी नहीं की थी। अच्छा कहाँ पे? मुंबई में? अजमेर में, अजमेर में नंद मामा। हाँ 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 अजमेर में थे हमारे फिर, ये अजमेर ही में थे ना हमारे नाना नानी जी जो भी है। हाँ तो वो श्रीनगर रोड पे मतलब जाते ही रहते थे हम तो अजमेर वगैरह जयपुर से नजदीक तो है अजमेर जयपुर। राइट। हाँ तो जाते ही कभी गए होंगे तो ये नंद मामा फिर वहीं पढ़ाया मतलब वही भेजा। मुंबई में आप गए थे, नानी गई थी और हरीश मामा ये मुरली मामा छोटे थे। एक हमारी एक और छोटी बहन थी जो पैदा होते ही जब मेरे डैडी का प्रमोशन हो गया था। अच्छा आशा नाम था, आशा नाम था तो वो भाग्यशाली कहलाई बहुत ही। जैसे ही वो हुई हमारे डैडी का प्रमोशन हो गया तो वो बहुत छोटी थी मुश्किल से 5-6 महीने की थी। वो हरीश मामा के बाद हुई थी वो सबसे छोटी। हरीश मामा के हाँ बहुत छोटी थी वो, ज्यादा साल नहीं गई बेचारी वो मतलब बाद में मतलब बेचारी कुत्ते ने कहा था बेचारे चलता सी जो भी मैं वो बात की बात है। तो मतलब हम फिर बॉम्बे गए 6 महीने वहाँ रहे। तेरी मम्मी ने क्या कढ़ाई का डिप्लोमा किया और मुरली और हरीश तो छोटे ही थे, मैं भी 7th क्लास में वहाँ पढ़ी। वो मुरली मामा तो मेरे 6 साल छोटे थे ना। तो दूसरी में ऐसे ही था वो हरीश मामा एक में था पता पढ़ते भी नहीं थे, हरीश मामा तो पढ़ते भी नहीं थे। मुरली मामा फर्स्ट में थे, फर्स्ट सेकंड में थे और वो आशा तो भी छोटी थी। अच्छा हम 6 महीने रहे बेटा। अच्छा ओके। जो माय डैडी को फिर ट्रांसफर हो गया अहमदनगर। अच्छा अहमदनगर ओके। हाँ वो है आपका अहमदनगर आपका महाराष्ट्र में है। हाँ। महाराष्ट्र में हुआ ना। हाँ। तो फिर डैडी को फिर हमारा प्रमोशन दिया गया। अच्छा। मतलब तरक्की हो गई। अच्छा। तो वहाँ उनका बंगला मतलब बैंक के जो घर होते थे। हाँ। इतने दूर दूर होते मतलब घर दूर बंगला बहुत बड़े बड़े होते थे। हाँ। और फिर बेटा डैडी पता नहीं कैसे वहीं आसपास ही बैंक होंगी जो भी हो। हाँ। चपरासी मिला हुआ था बाप के सिर में। अच्छा हाँ डैडी को चपरासी मिले हुए थे जो तेरी मम्मी जाती थी उनको लेके जाता था चपरासी सब्जियां वगैरह ले जाता था। नंद मामा तो अजमेर में थे। मुरली मामा छोटा मैं भी मतलब मेरे को तो फिर स्कूल में ही नहीं डाला क्योंकि उनको पता था कि ये स्कूल बहुत दूर था बेटा। अच्छा जहाँ हमारा बंगला होता था स्टेट बैंक का वो स्कूल बहुत दूर होता है। अब हम पैदल पैदल कैसे जाएं? तो हमारे डैडी मम्मी ने बोला अब कौन सी लड़की है इसके ये कहाँ इतना पैदल पैदल जाएगी, अब ये घर में थोड़ा पढ़ाई इसको कर लो। तब भी इसको हमारे डैडी को पता था कि हम ज्यादा जहाँ ज्यादा नहीं रहेंगे 6 महीने 8 महीने रहे। तो मैं तो गई नहीं स्कूल, मेरी घर पे जो पढ़ाई करती थी मम्मी तो तुम्हारी पढ़ाई कर ली थी। नंद मामा अपना अजमेर में था, हरीश मामा मुरली मामा भी बहुत ही छोटे थे वो 1-2 क्लास में। हरीश मामा तो जाता ही नहीं था। तो फिर वहाँ 6 महीने हम रहे मतलब डैडी का अपना। तो वहाँ ये इतना अच्छा होता था बेटा जो ट्रांसफर होके आते थे मतलब जो स्टाफ वहाँ रहता था वो हमको खाना खिलाता था जाते थे। अच्छा। मतलब जैसे ट्रांसफर होके गए तो हमारी खातिरदारी होती थी, जब ट्रांसफर हो गया तो खातिरदारी हुई। ओ मतलब बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता था हमको। अच्छा मतलब चपरासी होते थे
हाँ तो उसके बाद अहमदनगर आया था, मनमाड गए थे, हमको याद है सर्दियों में गए थे। हाँ। मतलब यहाँ अहमदनगर बहुत सर्दियाँ थी, मनमाड स्टेशन डैडी को तो कूपा मिलता था। हाँ। ये ट्रांसफर होता था तो कूपा मिलने लगा, फिर सेकंड क्लास पूरा। अच्छा भाई आप जो आप सामान ले जाओ ले जा, दूसरा बुक करवा देते थे मालगाड़ी में सामान। हाँ हाँ। और बाकी ये जो जरूरी सामान होता था हमारे को कूपा मिलता था मेरे डैडी को। हाँ। उसमें ही अपना से तो वहाँ हम 6 महीने रहे। अच्छा मतलब ऐसे करते मतलब यहाँ हो गए थे ना, हम जून में गए उधर बॉम्बे, इधर आ गए थे दिसंबर में। हाँ। 6 महीने फिर वहाँ रहे, 6 महीने फिर हो गया अपना जून जुलाई अगस्त हो गया हमारा। ओके हो गया ना मतलब 6 महीने बाद फिर अहमदनगर में भी मतलब हमारी बहुत अच्छी है, चपरासी मिले हुए थे, मम्मी तेरी जाती थी उनके साथ, सब्जी गले आते थे जो चपरासी सब काम करते थे बेटा वहाँ पे। तो अहमदनगर के बाद फिर कहाँ पे आए? अहमदनगर के बाद फिर कहाँ पे आए? 6 महीने वहाँ रहे? सिवनी है आपकी, नागपुर अब जबलपुर के बीच में छोटा सा शहर है। क्या शहर का नाम क्या है? सिवनी है। अभी भी आपको नक्शे में देखोगे नागपुर और जबलपुर के बीच में एक छोटा शहर है सिवनी। समझ नहीं आ रहा सिवनी। हाँ सिवनी बहुत सिवनी थी एमपी में, वो आ गई एमपी में सर आपका। हाँ ओके एमपी में आ गए ना हम लोग, फिर उधर महाराष्ट्र था अहमदनगर। हाँ हाँ अहमदनगर से फिर हम आ गए महाराष्ट्र में ये एमपी में। हाँ ओके सिवनी आपके जबलपुर नागपुर के बीच में है। हाँ तो वहाँ भी मतलब हमारे डैडी को मिला हुआ था बैंक का ही। Okay. मतलब बेटा बहुत मतलब चपरासी मिले होते थे जो काम भी घर का करते थे अपने। हाँ। और बच्चे बच्चों को देखते थे, ये हमारी छोटी बेबी थी हरीश मामा को अभी स्कूल भेजा ही नहीं था, उसको ले जाते थे ऐसे। हाँ। मतलब स्कूल भाई चलो भाई ले जाते हैं। हाँ। तो वहाँ हम रहे फिर बेटा, फिर वहाँ मेरे को स्कूल डाला गया। अच्छा ओके 8th में थे, घर में ही पढ़ाई कर ली थी। हाँ। जो भी वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया था बॉम्बे से। अच्छा कोकरी कॉलोनी से वो स्कूल अच्छा था मैडम, क्योंकि जो बेटा जयपुर में पढ़ाई की थी वो स्कूल बहुत अच्छा था जिसमें तेरी मम्मी पढ़ी 6th क्लास में, तो हमको अच्छा गिना गया। तो मतलब इम्तिहान लेके मेरे हमारे को क्योंकि वहाँ 11 क्लास थे। हाँ। यहाँ हम 10th क्लास में यहाँ था 10th था। अच्छा। जयपुर में फिर साजिश में गए, हमको 8th का दे दिया गया कि आप 8th में पढ़ाई सकते हो, पढ़ाई जाके करना। अच्छा। अहमदाबाद में तो हम गए ही नहीं। राइट डाला ही नहीं, स्कूल बहुत दूर था बेटे, हम अकेले हमारे मम्मी वगैरह वो भाई डैडी हमारे इतने वो नहीं थे, क्योंकि मम्मी ने तो तेरी पढ़ाई कर ली थी। हाँ और हरीश और मुरली मामा छोटे थे, नंद मामा वैसे ही वो थे, बाकी बच्ची मैं। तो बोले कोई बात, फिर सिवनी में गए ना तब फिर चपरासी हमको ले जाता था स्कूल, पैदल ही पैदल बेटा जाते थे, कोई कन्वेंस नहीं होता था वहाँ। सिवनी भी छोटा शहर था, हो चुकी थी ना नानी तो पढ़ाई, नानी तो मतलब मेरी मम्मी की तो पढ़ाई हो चुकी थी ना। हाँ तेरी मम्मी ने तो अच्छा किया था ना पढ़ाई। हाँ वो तो पहले ही कर ली थी तो। हाँ मैंने पास कर लिया था। हाँ वो अपना घर में मम्मी को हेल्प करती थी खाने वाले में जो भी है, अपना सिलाई वलाई तो सब बेटा घर पे ही करते थे ना। हाँ मशीनें तो होती थी तब, मशीन तो जरूर होती थी सिलाई की मशीन। तो मम्मी तेरी नानी को मतलब हेल्प करती थी खाने पीने में। वैसे तो दूसरे चपरासी हमारे होते थे मिल। हाँ। मतलब मिलते थे काम के लिए, जस्टिन करना वो करना। हाँ। काम वाली जो होती थी वो काम वाली करके गई नहीं तो वो भी काम करते थे। मतलब लाइट नहीं आई थी या तब लाइट आ चुकी थी? हाँ बिजली फिर भी नहीं आई थी ना, इलेक्ट्रिसिटी।
तब तो आ गई थी बच्ची, बच्ची फिर तो आ गई थी। सही थी, जब मैं जयपुर से बॉम्बे गए, वहाँ तो बॉम्बे इतना बड़ा शहर है। अच्छा, बॉम्बे में भी आ गई थी? बॉम्बे जाते थे, बॉम्बे लाइट थी ना? नहीं, वहाँ तो लाइट ही, ये जो आपकी ट्रेन जो चलती थी। हाँ, राइट राइट। हाँ, तो वहाँ तो लाइटिंग थी। जयपुर में हमारे घर में पता नहीं कब आई थी, हमें याद नहीं था कि आई होगी। लालटेन थी, पढ़ते थे बैठ के, लालटेन जला के जल्दी। तो मतलब के बाद, उसके बाद जब आप अहमदनगर गए तो भी लाइट थी, और उसके बाद आगे लाइटें आ गई, फिर तो लाइटें आ गई थी। जयपुर में हमारी नहीं थी लाइट, बाकी बॉम्बे गए तो वहाँ जो इतनी ये ट्रेनें चलती हैं जो भी है, तो लाइट के बिना तो वो चलती नहीं थी। घरों में लाइटें थी सब थी, बाकी इधर भी आए तो लाइटें आ गई। फिर अहमदनगर, सिवनी। सिवनी में कितने साल थी? सिवनी में हम थे करीब, मैं अभी एट पास कर लिया था, नाइन्थ में गई थी। तो उसके बाद फिर हमारा क्या, जनवरी में यहाँ होता ट्रांसफर, मेरे को याद है दिसंबर जनवरी में हमारा हुआ ब्यावर ट्रांसफर राजस्थान। क्या? राजस्थान में ब्यावर, ब्यावर पाकिस्तान, राजस्थान, राजस्थान में अजमेर के साथ पास ये ब्यावर। अच्छा, ओके। हाँ, तो वहाँ बेटा स्टेट बैंक में हमारे डैडी मैनेजर होके गए थे, एकदम अपने नई बैंक खुली, स्टाफ रखे, इतना उनको पावर था कि आप अपना स्टाफ अपनी मर्जी से रखो। ओ, अच्छा। हाँ, तो डैडी हमारे ईमानदार थे, जो होशियार थे वो अपने रखते थे। वो अपने, मेरे को याद है कि अपने कजन को, मतलब उनको पता लगा जब बॉम्बे में गए ना, तो उनको पता लगा भाई ये है, तो उन्होंने बोला भाई तू तो बच्ची पोस्ट पे चिट्ठियों के रास्ते जाते थे। हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे बेटे भेजा, और कोई संधि थी मम्मी की सहेलियां वगैरह जो भी मतलब बनती थी, उनके बच्चों को बैंक में रखा। अच्छा। वो ब्यावर इतना अच्छा था, हम फिर गए थे जनवरी। हाँ, मेरे को हाँ जनवरी में, मतलब जनवरी में गए थे। तो फिर मैं आ गई नाइन्थ में, वहाँ से एट पास करके सिवनी से नाइन्थ में, मतलब जल्दी थे, मैं पहुँच गई थी नाइन्थ में। अच्छा। तो फिर मतलब नीचे बैंक थे, ऊपर इतना बढ़िया बंगला था, बहुत ज्यादा बढ़िया मकान। अच्छा। बहुत बढ़िया बेटा, नीचे बैंक थी। अच्छा। हमारी वो आशा अभी छोटी थी, हरीश मामा भी ऐसे स्कूल मेरे ख्याल से डाल दिए थे, मुरली मामा भी ऐसे मतलब स्कूल जाते थे दूसरी तीसरी में। मैं तो नाइन्थ में पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को याद है वहाँ गर्ल्स स्कूल था ब्यावर में, तो वहाँ का जो हेड के शेयर था मेरे को ले चला था। अच्छा। स्कूल में गर्ल्स स्कूल था, तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह जो कुछ भी लिखित में लिया। हाँ। तो मैं अच्छी गिनी गई, एमपी की पढ़ाई बेटा थोड़ी कठिन थी। अच्छा। और जो राजस्थान की है थोड़ी अगर सरल है सिलेबस। हाँ, सिलेबस थोड़ी सरल है। अच्छा। तो मैं वहाँ नाइन्थ में किया, हाँ नाइन्थ पढ़ रही थी अपना, तो मैंने लिए वहाँ लिया था होम साइंस। अच्छा। नंद मामा तो उधर ही थे, मुरली मामा भी जो भी अपने क्लास तीसरी चौथी में पढ़ते होंगे, हरीश मामा भी पहली ऐसे गए थे। असली जब मेरी है पढ़ाई मेरी भाई सेकेंडरी स्कूल था, नाइन्थ में मैंने होम साइंस ली, मतलब एनसीसी कैंप में भी ज्वाइन किया, जो भी किया। हाँ। मतलब आबू में हमारे को ले भी गए थे, मतलब कैंप वैम्प लगी थी एनसीसी में के थ्रू। हाँ। तो मतलब मैं मेरे पढ़ाई में पता नहीं क्या ऊपर वाले की मेहरबानी थी या क्या थी, मतलब मैं अच्छी निकल गई उसमें ब्यावर में। गुड। तो मैं नाइन्थ में थी, फिर हमारे नाइन्थ में डैडी वहाँ भी, अगर हमारे फिर डैडी को बोला गया कि तुम आबू जाओ, जमीन वमीन देखो, अपना बैंक वैंक खड़ी करो। अच्छा। तो हमारे बेटा डैडी जाते थे, मतलब ऐसे नाइन्थ अभी मैंने पढ़ी, हाँ पढ़ाई थी ना, नाइन्थ अभी चल ही रहा था, मतलब वो बेचारे हमारे डैडी के लिए चले जाते थे आबू में। आबू में बोला गया कि आप
वहाँ बैंक खोलो, क्योंकि इतना डैडी हमारे में इंटेलिजेंस बहुत अच्छे थे, तो व्यवहार अच्छा था, वो मेहनती थे, तो उनको बोला गया आप आबू जाओ और अपनी जमीन खड़ी देखो और वहाँ बैंक खड़ी करो। इधर ब्यावर में काफी डैडी हमारे संधि लोग रखे, मतलब तो वो हमारे बहुत काम आते थे बेचारे, बहुत घरेलू जैसे थे ना, वैसे ही थे, मतलब हमारे काम काज करना वो करना। फिर डैडी तो अक्सर आते जाते थे, वहाँ चपरासी मिले हुए थे हम लोगों को काम के लिए, माइया जी काम वाली तो माइया आती थी पर चपरासी बहुत मिले हुए थे, सब काम वो ही करते थे, डस्टिंग करना, मार्केट का काम। साथ में पहले था कि मेरी मम्मी अब जाती रहती थी कभी कभी, तो मतलब ब्यावर में फिर हमारा हुआ, मैं भी नाइन्थ में ही थी, फिर हमारे डैडी को बोला गया आप आबू में जाओ और वहाँ बैंक खड़ी करो। ठीक है। और इधर मैं नाइन्थ में ही थी, अब डैडी बेचारे अकेले थे ना, तो हमारी मम्मी को थोड़ी चिंता होगी वो बेचारे कैसे करेंगे काम। तो फिर मैं ऐसे सहेलियाँ, तीन सहेलियाँ हमारी थी अच्छी थी, पुष्पा सुमित्रा पंजारी थी, जैन पुष्पा थी और मैं थी एक उर्मिला, चार सहेलियाँ थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही बातों में किया भाई अब डैडी का तो ट्रांसफर हो गया, अब दीदी तो पढ़ लिख के खत्म हो गई है, बड़े भैया अजमेर में ही है और ये दो छोटे छोटे हैं भाई। अब मेरी बात ही डैडी को मैंने तो चिंता है कि अब इस लड़की को क्या करें, अब इसको अकेले सास छोड़े अकेला, क्योंकि मेरी वजह से तो बेचारे उधर रह रहे थे ब्यावर में। तो फिर मैंने ऐसे ही बातों में कि हमारी सुमित्रा पंजाबी सहेली थी, उसने जाके अपनी मम्मी को बताया होगा, मैं थोड़ी होशियार थी पढ़ाई में, वो थोड़ी ऐसे ही तो उसने बताया होगा भाई ऐसे ऐसे इंदिरा के पापा का ट्रांसफर हो गया आबू में, अपना बैंक बनवा रहे हैं पूरा, और उनकी मम्मी और जो दीदी है वो और दो छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तो कोई चिंता नहीं है, असली चिंता मेरी है उनको। तो वो बेचारी आई सुमित्रा अपनी मम्मी को लेके। अच्छा। आते ही आते घर हमारा इतना अच्छा था ना बेटा, लोग आते रहते थे, मतलब अजमेर से काफी आते रहे थे हमारे घर में मेहमान, अजमेर में मैं नहीं आता, सब आते रहते थे। जो हमारे डैडी को ऐसे आशा आराम मिला वो और जगह किसी को नहीं था। बेटा बैंक मैनेजर बहुत हस्ती रखती थी तब, सही बात है, तब हस्ती होती थी बैंक मैनेजर की, जब राशि मिले होते थे वो होते थे, तो वो बेचारी सुमित्रा अपनी मम्मी को ले आई, तो हमारी मम्मी को बोलिया देखिए आप चिंता मत करिए, जैसे मेरी सुमित्रा बेटी है वैसे ये मेरी इंदिरा रहेगी, आप मेरे मतलब डैडी को वो बेचारे परेशान हो रहे हैं अपना खाने पीने की समय में, आप भले चले जाइए बच्चों को लेके। तब बेटा हमारे को क्या मिलता था, एकदम रेलवे में एक कूपा मिलता था पूरा, जो चपरासी होते थे सब ले जाते थे सामान वामान छोटे छोटे, जो घर का हंडी का सामान होता था कूपे में, तो चपरासी सब काम करते थे अपना। तो फिर हमारी डैडी तो उधर ही बेचारे रहे आबू में, अपना पता नहीं कैसे रहते थे, काम गए कुछ हो भी होटल या गेस्ट हाउस वगैरह जो भी हो, जो अपना काम करवाते थे, खड़ी किया बैंक खड़ी की, ऊपर बंगला भी बन घर भी बनवा रहे थे अपना, और ये लोग भी चल दिए, तो फिर उन्होंने कोई किराए का मकान ऐसे आसला, जब तक बंगला पूरा तैयार हो तब तक पास में एक किराए का मकान रह गए थे, मतलब अब मैं रहे मेरे को भी छोड़ के गए, मेरी सुमित्रा सहेली क्या गई वो ले आई बेचारी ले गई अपना, उसकी मम्मी और मेरे को ले गई, और नंद मामा को तो आते जाते रहते ना, जो मेरा ब्याह तो नजदीक था तो उनको दिया था, मैं देखो इंदिरा को छोड़ के जा रहे हैं तुम आके कभी कभी देखना आके उसको। तो बहुत हमारी नानी लोगों ने नहीं ऐतराज उठाया। अच्छा। कि भाई ये जवान लड़की को दूसरों के घर छोड़ दिया, ऐसी कौन सी वो पढ़ाई जरूरी है वो है,
अब बताओ 3 महीने 4 महीने के पीछे मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं खत्म कर रही हूँ। तो तब मैं 9th में ही थी तो वो रही फिर ऐतराज तो उठाया था ना सुना था कि वो पर हमारे नंद मामा आके एक आधवार इस घर में आते थे सुमित्रा में भी चली किया। अच्छा हाँ तो फिर चलो मेरा 9th भगवान की दया से हो गया। फिर पता नहीं नंद मामा पता नहीं मैं कैसे पहुंचती थी पता नहीं चपरासी ले या कैसे पहुंचाते पता नहीं फिर मैं भी मतलब आबू चली गई। 9th करके हाँ 9th करके आबू चली गई। वो मकान अभी बनी गए थे हमारा बंगला नीचे क्या स्टेट वैली मैं तैयार ही हो गया था करीबन तो वो था मेरे ऐसे घर बने हुए थे जहाँ पे हम लोग रहते रह रहे थे। मम्मी थी नानी थी ऋषि मुरली मामा मतलब छोटे थे एक आशा वो थी अभी वो छोटी थी बहुत प्यारी बच्ची थी बेटा बहुत प्यारी बच्ची थी। वो बैंक वाले ले जाते थे उठा के लेके चले जाते थे हम बोलते अरे आशा का है आशा का चपरा से बोलते वो ले गए अभी ले जाए तो वो टाफियाँ लेके देते बिस्किट लेके देते। तो वो बहुत प्यारी बच्ची थी 3-4 साल की थी सर 4 साल की हाँ 3-4 साल की थी बेचारी। और हरीश मामा 6 साल के थे वो मुश्किल से फिर मेली मामा भी हो गए 5-6 में तो आ गए ना वो भी तीसरी चौथी पांचवी में आ तो आ ही गए वो भी 5-6 में आ गए वो भी हरीश मामा और मोली मामा। अच्छा पर ये लोग कैसे स्कूल भेजते थे इतना मेरे पर वो पढ़ाई करते थे बहुत उद्यमी थे दोनों बहुत शैतान थे मुरली और हरीश। तो वो लोग भी अब आबू आ गए थे वो भी आबू वो भी आबू में आ गए थे। हाँ वो तो आबू में चले गए थे बाकी मैं दस मित्रा की आ रही थी क्योंकि मेरी पढ़ाई 9th क्लास थी ना तो मेरे को छोड़ दिया 9th पास करके मैं गई कैसे पहुंचे पता नहीं लेने आते थे चपरासी या नंद मामा को बोला होगा चिट्ठियों से रस्ते होता था अपना पहुंचा दिया फिर हमारे को आबू में। तो वो जो तो वो है आशा का आपने बोला ना कि कुत्ते ने काट लिया था वो क्या आबू में काटा वो उसी इसी को बेबी को मैं बता रही हूँ आशा नाम था। तो वो अभी मकान वो हमारा बना नहीं था अभी पूरा बंगला स्टेट बैंक का नीचे स्टेट बैंक के बनी ऊपर बंगला तब तक कोई एक मकान एक ऐसे दिए गए थे हम तो अच्छा रखा गया बहुत अच्छे घर थे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे थे। तो वो कहने बहुत प्यारी बच्ची थी वो ना बाहर कुत्तों के साथ खेल रही थी। अच्छा खेलती रहती थी मैं तो अभी 9th पास करके छुट्टी में गई थी छुट्टियाँ थी गई थी मैं अब वो ऐसे खेलते खेलते उसको कुत्ते ने काट दिया। अच्छा तो उन्होंने बच्चा 14 इंजेक्शन लगती है कुत्ते काटने की 14 इंजेक्शन लगती है। हाँ तो वो उसको इंजेक्शन नहीं लगवाने हम नजदीकी डॉक्टर था अस्पताल की मैं और डैडी जाते थे उसको इंजेक्शन लगवा के आते थे। बाय चांस वो डॉक्टर ने बेचा कहीं बाहर चला गया तो वो इंजेक्शन ने ना वो रखना भूल गया ठंड बर्फ में रखते ना बेचा इंजेक्शन में तो फिर जो डॉक्टरों के यहाँ तो रहती थी ना फिर गिरी का। अच्छा हाँ तो वो इंजेक्शन रखना भूल गया या क्या हुआ वो जैसे ही आया उस हमारी बहन को वो जैसे इंजेक्शन लगाई 5-6 दिन बाद वो एकदम मतलब तड़प के खत्म हो गए। मैं इंजेक्शन लगवा के टाटा टाटा करके आती थी रोज तो उस दिन जैसे ही लगवाई आते ही खत्म हो गई वो रिएक्शन कर दी इंजेक्शन वो रिएक्शन वो बेचारी खत्म हो गई। अब मेरा सवाल उठा मैं 9th पास कर लिया अब 10th यहाँ सेकेंडरी स्कूल था ब्यावर में आबू में फिर हाई स्कूल आया वहाँ 10th क्लास के हाई स्कूल में तो मैं 9th पास करके मेरे को बोला गया कि 2 साल का 9th 10th कैसे करेगी हाई स्कूल का तो हमारे डैडी ने बोला नहीं हम उसको वनस्थली भेजेंगे वनस्थली गर्ल्स मैं हॉस्टल थी जयपुर में तो वो मतलब फार्म वार्म मेरे सब भर दिए गए थे पहले ये डैडी तो बाद में खत्म हुई बिचारी आशा
तो वो फार्म वार्म भर गए थे, वो गई है बेचारी 29 मई को खत्म हुई है, मेरे को अभी भी याद है। और 1 जुलाई को ये स्कूल खोल रहे थे वनस्थली के। अच्छा, मेरा सब कुछ हो गया था, फार्म वार्म भर गया था, बुकिंग हो गई थी वनस्थली में, सब कुछ हो गया था। हाँ। बस जाने को नंद मामा को बोला गया कि इसको जाके छोड़ आना। अच्छा, अब ये जो हमारी खत्म हो गई आशा, फिर हमारी मम्मी एकदम वो हो गई। और तब तेरी मम्मी के रिश्ते चल रहे थे, मतलब थोड़ा बड़ी हो गई, वो तो काफी बड़ी थी ना नेचुरली, वो तो मेरे से 5 साल बड़ी थी। हाँ। मैं 17, 16, 17, 21, 22 साल की शुरू हो गई थी तेरी मम्मी 22 साल। हाँ। तो वो उनके रिश्ते देख रहे थे, हमारे डैडी भाई बैंक में थे ना बेटा। हाँ। तो लोग आते जाते थे, रिश्ते बताते भी थे। हाँ। इतनी बड़ी लड़की है वो, फिर हमें मतलब हमारे को फिर नहीं भेजा गया। अच्छा। ओके। नहीं भेजा, बोला नहीं जाओ तुम्हारा नहीं बिना। मम्मी ने बोला एक बेटी शादी करके जाएगी, एक बेटी खत्म हो गई है। हाँ। नंद मामा तो वैसे अजमेर में थे। हाँ। दो मैं नहीं जिसको वनस्थली, तब तक हमारा बंगला भी हमें तैयार हो गया था। अच्छा, मतलब अब मेरा आ गया चाहे अब क्या करूं, इस चक्कर में झूला निकल गया। हमारे डैडी बैंक में थे तो भाई बेटा स्कूल के तो सब आते थे ना, मास्टर वास्टर सब। हाँ। तो उन्होंने बताया होगा मेरी ऐसी लड़की है अभी वहां से करके आई है नाइन्थ। हाँ। अब टेंथ में जाना है, उधर हाई सेकेंडरी स्कूल, इधर हाई स्कूल, अब नाइन्थ और टेंथ वो कैसे करेगी। हाँ। तो वो उन्होंने टीचर आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी को मानते थे हमारे, आप चिंता मत करिए, हम थोड़ा बच्चे को हेल्प करते रहेंगे, पढ़ाई वढ़ाई किया। हाँ। बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो अगर कोई और बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना। बटन तो चलो फिर मैं आगे स्कूल नजदीक था, मतलब चपरासी छोड़ने चलते थे, मतलब ऐसे बच्चे भी थे, कोई एक आध बच्चे सहेली भी थी, मतलब स्कूल नजदीक था, घर बंगले के पास ही था हमारा, नीचे बैंक थी, ऊपर बंगला था। तो माई वाई तो हमारे यहाँ काम करती रहे, बस मेरा मेरे में मोह ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी तो बेचारी घर का निकाल कर छोटी दीदी छोटी बेबी छोटी बेबी करके। हाँ। अपना लेके जाते थे स्कूल, ले आ भी आते थे, नहीं तो दौड़ते चले भी आते थे, ऐसी बात नहीं था। हाँ। ऐसे करते करते मेरा टेंथ मतलब एग्जाम दे ही दिया। हाँ। मतलब तो मेरे को पता है कि मैं इंग्लिश पूरी जान सीखी नहीं, ग्रामर। अच्छा। कैसे सीखती, ऐसे कहीं स्कूल गई, कहीं चेयरमैन गई, कहीं कहीं मैंने, तो ग्रामर तो मैं पढ़ी नहीं, तो इंग्लिश में थोड़ी मैं वीक मतलब कमजोर थी। बाकी और सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी थी, साइंस मैथ हिंदी मतलब ऑप्शनल हिंदी ले ली गई मेरे को, दी साइंस वगैरह सब चरित्र वगैरह। हाँ। इंग्लिश में वो ही थी, मतलब ज्यादा नहीं थी, तो इंग्लिश में फिर मेरी आगे सप्लीमेंट्री। अच्छा, ओके, अच्छा। कोई बात, सप्लीमेंट्री आगे। हाँ, मतलब वहाँ पे आबू में। हाँ। तो अब आबू में जहाँ तक तेरी मम्मी तो अभी कुंवारी से भी शादी नहीं थी, शादी तो बाद में सांबर गए थे। हाँ। बाद में। हाँ। तो फिर पता नहीं जोधपुर में नंद मामा चले थे। हाँ। फिर ना मेरे को एग्जाम एग्जाम दिला के आ गए, तो पास हो ही गई मैं। ओके। ऐसे कहते कहते हमारा आबू में हम 2 साल करीब रहे शायद, आबू 2 साल। हाँ, रहे थे हम लोग, मेरा टेंथ भी खत्म हो गया वहाँ, फिर कॉलेज नहीं था बेटा। हाँ। आबू में ना कॉलेज नहीं था। ओके। मैं टेंथ तो पास कर ली। हाँ। तो कॉलेज ही नहीं था तो तब ऐसे नहीं है, जयपुर का तो कैंसिल कर ही दिया था वनस्थली। अच्छा। और यहाँ कॉलेज था नहीं था, तो मैं तो रसी ला कुछ काम काज तो करती नहीं थी घर में, बोले कोई बात नहीं था लड़की है, मैं मम्मी ने कौन सी बोला है वो है कि हाँ। आपको इसको इंग्लिश पढ़वानी है। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ।
तो बस इधर तेरी मम्मी के रिश्ते आने लगे थे। एक आधे रिश्ता भी आया था, देखा पता नहीं क्या हुआ, मेरे को पता है कि आए थे सिंधी लोग, मतलब आते थे बैंक में, तो लेकिन क्या जो भी हुआ, मतलब तब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। अच्छा, फिर हमारा काम सर 2 साल बाद, मतलब माउंट अबू फिर हम बहुत जाते थे माउंट अबू में, वहाँ बैंक नहीं थी, आबू में बैंक थी। अच्छा, हाँ तो माउंट अबू से जब लोग आते रहते थे ना बेटा, बैंक का काम तो सर को होता था। हाँ, तो मतलब डैडी की नेचर अच्छी थी या जो भी हो, वो लोग कारे बेकार देते थे जाके, वहाँ हमारे को गेस्ट हाउस में रह के आते थे, मतलब माउंट अबू भी घूमा हमने। ओके, मतलब जो ऐसे चलो हमारे 2 साल बीत गए, मैं तो कॉलेज तो मैं गई नहीं। कैसे जाती, कॉलेज था ही नहीं तो जाती कहाँ। सर हमारा काम सर हुआ सांभर, सांभर लेके, सांभर लेके नमक की लेके वहाँ फिर काम सर हुआ। ओके, मुरली मामा आ गए थे 8th में, तब तक शायद 7th 8th में आ गए, 6th 7th में आ गए थे। हरीश मामा भी छोटी क्लास में थे, वो बेबी तो बेचारे हमारी चल बची। नंद मामा वैसे ही मतलब अपना उधर ही कर रहे थे, जयपुर अजमेर में आते जाते रहते थे। जैसे आप लोगों के साथ रहे ही नहीं नंद मामा, तो मतलब नहीं नहीं नंद मामा बाद में रहे, बाद में जब हम लोग दिल्ली आए। अच्छा, दिल्ली हम बहुत बाद में आए, इसके बाद हमने बहुत शहर घूमे, सांभर घूमे। अच्छा, तब सांभर में क्या था, तभी फिर मम्मी के तेरे मेरे को याद है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पर कोई रिश्तेदार उनके आए थे हेड मास्टर के पास, पोस्ट हेड मास्टर के पास, तो पता नहीं क्या इतना मेरे को याद है, मैं चुलबुली थी फ्राक ही डालती रहती थी, मैंने फ्राक ही डालती रहती, मैं हरीश मुरली तीनों जाके छत पे बैठ के पतंग उड़ाते रहते थे। ओके, तो तेरी मम्मी का रिश्ता आया सांभर, वहाँ से था तो हम सांभर में, पर कोई आता है गांधी धाम से। अच्छा, देखने लड़का उसका बाप देखने आया था, मतलब तो तेरी मम्मी क्या थी बेटा, थोड़ी एक तो लंबी थी काफी, लंबाई अच्छी थी, दूसरे वहाँ का जो सांभर का पानी लेके थी ना उनको, वो खारा पानी पता नहीं था, हमें देखा पानी तब वहाँ खारा आता था, खारा होता था, मीठा तो मंगाते रहते थे पानी। तो उनके ना मुंह पे पिंपल्स वगैरह थोड़े ऐसे निकल आए थे, मतलब खाना पीना तो अच्छा था ना, लंबी भी थी, होशियार भी बहुत थी, सिलाई विलाई सब की थी, तो वो लड़का देखने आया, मैं और हरीश और मुरली मामा तो नीचे छत पे पतंग उड़ा रहे थे। जो आए होंगे जैसे ने उन्होंने बोला होगा भाई आप अपना बच्चे और भी तो दिखाइए, बोले अच्छा वहाँ पे मान इज्जत बहुत होती थी, चपरासी तो नीचे काम करते ही रहते थे। तो फिर डैडी बोले आ जाओ नीचे सब लोग, मम्मी तेरी ना सिलाई में बहुत होशियार थी बेटा, मेरे को इतने अच्छे अच्छे फ्रॉक बना के देती थी। अच्छा। और मैं थी भी थोड़ी हेल्दी और मतलब रंग जो भी साफ था मेरा, मम्मी के मुकाबले में मेरा रंग काफी साफ था। अच्छा, तो चलो वो आए खेलते खेलते आ गए, तो हाँ तो वो मम्मी से ऐसे सवाल पूछ रहे थे, भाई आपने सिलाई की इतनी लंबाई हो इतना कितना कपड़ा लगेगा। तो मैं बोली आप सिर्फ लंबाई देखा पूरी नाप दोगे तभी तो ये पूरा बताएगी कितना कपड़ा लगेगा, मैं ऐसे ही बोली। मैं थी तो तब मैं काफी बड़ी थी बेटा, 18 साल की थी मैं तब, मैं 18 साल की हो गई, तेरी मम्मी 23 साल की थी, 23-24 साल की, मैं 18 साल की थी। तो फिर 18-19 साल की थी, तो फिर पता नहीं मेरे को बाद में पता लगा कि वो लड़के वाले बोल रहे थे हमको छोटी चाहिए बड़ी नहीं। अच्छा, मतलब मेरे लिए भाई हमारे को मेरी अच्छी थी ग्रोथ तो अच्छी थी ना बेटा, तो बाद में पता लगा जब तेरी मम्मी का यार रिश्ता हो गया था उनके लिए। ओके ओके, तो फिर अब ये नहीं हुआ तो हमारे जैजी ने बेचारा राम अंकल को लिखा, भाई मैं इधर छोटे शहरों में हूँ, भाई कोई रिश्ते ऐसे आने तुम देखो रिश्ता अपना उसके लिए।
राम अंकल दिल्ली थे। छुट्टियों में तो जाते ही रहते थे ना दिल्ली वगैरह, ये मतलब तो भाई तुम उनको तो पता है मतलब जाना, तो भाई तुम ही रिश्ता देखो। ओके, तो तेरे डैडी वो ऊपर जसोदा किराएदार थी ना हमारे अंकल की। अच्छा, ओके। हाँ, राम अंकल को ये तो तीन घर लिए थे हमारे किले से। हाँ, तीन घर लिए थे हमारे डैडी तो घूमते, फिर हमारे को बुलाया था। हाँ, भाई ऐसे किले से हमें तुम घर मिल रहे हैं, तो तीन घर, दो नीचे और एक ऊपर पटेल नगर में। तुम तो जानती हो, याद होगा तेरे को पटेल नगर तो। हाँ, जहाँ छोटी की शादी हुई थी, जहाँ छोटी याद है, वहाँ तो हम इतना जाते थे। हाँ, वहाँ तो छोटे छोटे मकान ही थे ऐसे। हाँ, तो खैर जो भी हो, मम्मी को बोला गया हमारे अंकल को, डैडी ने, कि भाई मेरे को तो अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, यहाँ तो मेरे को रिश्ते समय तुम ढूंढ दो। हाँ, लाज आंटी ने तेरे डैडी को देखा, मतलब वो तो ना बल्लू आंटी को बेचा हुआ था राजू। अच्छा, ओके। तो वो जसोदा को बताने गया, वो किराएदार थी हमारी, हमारे अंकल की। हाँ, तो ऐसे ही वो आया देखा, तुम्हारे डैडी दिखने के तो अच्छे थे ना, लंबे अच्छे वो। तो लाज आंटी ने ऐसे ही बोला, ये तेरा कौन? बोले ये मेरा भाई है। हाँ, तो उसकी बहन को बेटा है वो दिखाना। तो उसने बोला, भाई तुम तो जानती हो हमारी सील को, हमारे बड़े जेठ की बेटी को, हम तो जाते रहते थे ना दिल्ली। हाँ, बुलाते रहते थे अंकलों से, भाई तुम तो जानती हो मेरी ऐसे है जेठ की बेटी, उनका रिश्ता चलाओ। हाँ, तो बोले अच्छा ठीक है। तो अब हमारे डैडी को बोला गया कि अब आप इसको भेजो मम्मी को, तुम्हारी मम्मी के लिए अपनी बेटी को भेजो सील के। हाँ, तो अब क्या करें, मम्मी और तेरी मम्मी आए दोनों दिल्ली। फिर ये रिश्ता वस्ता जो भी किया पक्का हो गया जो भी हुआ, तो हमारे उन्होंने बोला भैया अभी क्या आप जाओगे, यहीं छोड़ जाओ लड़की को। हाँ, भैया अपना करेगी दहेज जो कुछ बनाना हो। हाँ, मम्मी मैं तो जानती नहीं थी कुछ भी बनाना खाना वाना। हाँ, पर तो ये चले है तो फिर भगवान के ऊपर वाले की दया होती है, थोड़ी बहुत देखते देखते तो रहते थे ना। हाँ, फिर मेरे को अकेली छोड़ के गए थे 15 दिन मम्मी वहाँ रही। अच्छा, रिश्ता विश्ता पक्का किया जो भी कुछ किया। हाँ, बोला अब 2 महीने बाद आप इसकी भाई शादी करेंगे हम लोग। हमारे डैडी ने मतलब सब कुछ देखा, मतलब पसंद आ गया जो भी है, घूमते रहते थे बहुत तेरी मम्मी है। तेरी मम्मी और घूमते रहते थे, मतलब उन दोनों फ्रीडम हो गए, मतलब जान पहचान हो गई ना। तो फिर 2 महीने बाद जब हम आए, मतलब शादी हुई थी 29 मई। हाँ, 29 मई का हुआ था डेट निकली। फिर हम सब आए, तभी मेरे को पता चला कि लाज आंटी राम जी ने बताया होगा, भाई ऐसे ऐसे रिश्ता इंदिरा को मांग रहे थे, मैं उसको कैसे दूँ, ये बड़ी इतनी 5 साल बड़ी है उसे, ये छोटी है 5 साल, मैं ऐसे कैसे रिश्ता करूँ उसको। लड़का बहुत अच्छा था बेटा, बहुत अच्छा था, राजेंद्र कुमार भी बहुत अच्छा था लड़का। तो डैडी ने मतलब मना कर दिया था। हाँ, तो फिर तब मेरे को बात पता लगा कि लाज आंटी अंकल कह रहे थे कि यदि आपको ये रिश्ता अभी आप पूछो कि अभी आप इसका इंदिरा का रिश्ता कर सकते हो, अभी इसकी तो शादी हो ही रही है, इसका भी यदि मिल जाए वो मान जाए तो आप इसका भी वहां जाके कर लो शादी। तब हम सांबर में ही थे बेटा। हाँ, सांबर में थे। हाँ, तो तब बताया गया जी ने कि भाई अच्छे से रिश्ता वो इंदिरा को छोटी को मांग रहे थे, बड़ी नहीं चाहिए। Okay. उन्होंने जब पूछा होगा लड़के की शादी हो गई या जो भी हो, जो कुछ हुआ होगा, बता हुआ नहीं, अब वो तो रिश्ता छोड़ दो, वो तो उसको भूल जाए, हमें भेजना ही नहीं है इसको, छोटी को चाय तक नहीं बनानी आती, हम कैसे इसकी शादी करेंगे। जो भी हो, मतलब डैडी ने मैं किसी तरह खाना कैसे सीख गई, क्या किया, मम्मी आ गई, मतलब सीख ही गई। फिर अमोली मामा तब आची में था, साथ ही आची में आ गया था, तब तक साथ ही आची में आ गया था। बढ़िया,
ये मेरा बचपन है, अभी बचपन तो और आगे मेरा बहुत अच्छा है, और जानना है तो हाँ। उसके बाद तो फिर तेरे वो मम्मी की शादी हो गई। हाँ 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 फिर शायद मैं डैडी का फिर अलवर ट्रांसफर हुआ था, पता नहीं क्या कुछ था, अलवर हुआ था ट्रांसफर। ओके हाँ, तो तभी तू पेट में थी, प्रेग्नेंट थी तेरी तेरी मम्मी थी। हाँ दिल्ली में तब आए थे, तब दिल्ली में आ गए थे सांबर के बाद, थोड़ा दिल्ली थोड़े से महीनों के बाद हमारे डैडी को ना हेड ऑफिस में पार्लियामेंट में रखा गया। Okay. तो तब हम रमेश नगर में थोड़े महीनों के लिए रमेश नगर में मकान लेके रहे थे। तो नंद मामा तभी मतलब कहाँ, फिर दिल्ली आए थे नंद मामा, नहीं नंद मामा फिर एरोनॉटिकल का पढ़ाई कर रहे थे राम अंकल के यहाँ। अच्छा। वहाँ से अपना कर आए थे, जो भी किया करके आए थे। हाँ। फिर हम राम अंकल के आके रह रहे थे वो। अच्छा। नंद मामा। अच्छा। और हम थोड़ा दिल्ली में पता नहीं 5-6 महीने थे, पता नहीं कितने थे। फिर हम अलवर, अलवर का इतना बंगला बहुत अच्छा मिला, अलवर चले गए। वहाँ भी नीचे डेस्क ऊपर बड़ा बंगला, तब तू तब तक तू पेट में आ गई थी। हाँ तो अलवर में बुलाया मतलब मासी अजीजा तो आए ना फिर। हाँ। अलवर में, अलवर में आए अपना छोड़ के चले गए। हाँ। अपना जीजा अपना वो ये तो है तुम्हारा मेरी इतनी अलवर तक की कहानी है, अब तो आगे तो बहुत है मेरी कहानी। पूछूंगी आपका एक्चुअली, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, आप बोल रहे हो, आप पिछले 1 घंटे 10 मिनट से बोल रहे हो और मैं समझ सकती हूँ कि आपका गला बहुत थक गया होगा, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। चलो चलो इनसे फिर कभी इनसे कर लेना, जब नहाके तो निकल जाए। मैंने अपना बचपन बता दिया, बचपन में हम कैसे जाते थे आते थे मामा लोगों के, वो तो अभी इतना मैंने बताया ही नहीं जयपुर का। हाँ। अपना वो तो बताया ही नहीं जयपुर में हम कैसे आते जाते थे। अभी दो सारी चीजें पूछूंगी, अभी आज हमने कवर किया है ना, इसको कहानी के रूप में मैं वीडियो बना के डालती हूँ और फिर आगे की जो कहानी है वो फिर आपसे सुनूंगी। मुझे पता है कितना ज्यादा मुश्किल है, 2 बज गए बिल्कुल 2:10 हो गए, तो अब इनसे तू कल बात करना, ये नहा के तो आ गए। मैम से तू कल कल परसों जब भी तेरे को फुर्सत मिले। हाँ हाँ बिल्कुल, तो राइट मेरा तो तेरा बचपन बीत गया, जवानी भी शुरू बता दी। पर मैं बेटा बड़ी खुश लगी थी, मेरे को बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है शादी से पहले भी, शादी के बाद भी है। भगवान की वो तो बात की रिश्ते भी है, अभी तो मेरी तो बात की बात है ना, शादी की मेरी तो बात की बात है। तेरी मम्मी की शादी हो गई, तू हो गई, जब राजू 1.5 साल का था तभी मेरे, तब हम दिल तब बताऊंगी वो मैं तेरे को। नहीं ठीक है। कैसे हुई तुम कितनी छोटी थी, राजू फिर मौसा जी की सुनूंगी पूरी कहानी। हाँ फिर अभी मेरी ये सुन ली यहाँ तक अलवर तक, अभी इसके अलवर के बाद भी हम बहुत गए थे, चंडीगढ़ गए, नागपुर गए, उसके बाद दिल्ली आए हैं। मतलब मेरी शादी बाद में दिल्ली में हुई है, उसके बाद हम चंडीगढ़ में मामा ने नंद मामा को नौकरी दिलाया। चंडीगढ़ का बेटा इतना बंगला बढ़िया था, हम आपको क्या बताएं। अच्छा। चलो था तो अलवर का भी, उस वो मैं बाद में बताऊँ, अभी तो मेरी ये हो गई अभी कहानी। शादी से पहले क्या मुश्किल से 20 साल की थी, 22 साल की थी। नहीं आपकी सुनूंगी, फिर मैं अपने बचपन की कहानियां बताऊंगी, आप लोगों की कहानी अभी बता के फिर मैं नेक्स्ट सीक्वेंस होगा मेरे बचपन की कहानियां। तेरे बचपन की भी कुछ तो हमको पता है, कैसे जाते थे मामा लोगों के यहाँ, जाते ही थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तेरा बचपन और हम लोगों का तो जवानी थी, तुम लोगों का बचपन था। तो वो बहुत अच्छी कहानी है, वो तो बहुत अच्छी कहा, वो तो बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी। वो मैं मेरे पास भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, तो मैं भी करूँगी। तेरा तो पता है बच्चे कैसे तुम लोग लड़ते रहते थे,
हमारा मनीष भी छोटा था हाँ। वो तो बात की बात बताऊंगी ना जब तुम बड़ी हो गई। हाँ हाँ जब बच्चे तुम लोग बड़े हो गए तभी तो हम जाते थे मामा लोगों के यहाँ। हाँ शादी हो गई तुम्हारा तुम आ गई राजू आये उसके बाद मतलब ज्यादा चलो ठीक है ओके ओके बेटा तुम बनाओ बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे को इतना मजा। अरे बेटा मैं कही ना मेरा तो बहुत ही लाइफ भगवान की दया से इतना उछल कूद वाली थी।